अस्सलाम वालेकुम मनवा सिस्टर्स, आज हम आप लोगों के सामने आए हैं कि हम अपनी ऑडियंस के साथ बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि आप लोगों को हमने जस्ट गाते ही सुना है, कभी आप लोग बात नहीं करते हमारे साथ, कभी कुछ कमेंट्स जो हम आप लोग करते हैं उनका हम रिस्पांस नहीं देते। तो ऐसी बात नहीं है, हम आप लोगों के हर कमेंट को पढ़ते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली जब इतना पसंद करते हैं हमारे गानों को, जितने भी सॉन्ग्स हमारे हैं, फोक हैं, पंजाबी हैं, कवाली स्टाइल में भी होते हैं, तो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और एक आर्टिस्ट जो होता है उसको, उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब उसके काम को, उसकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो आज भी थोड़ा बहुत कुछ गा के आपको सुनाएंगे। अभी आज हमारा एक वीडियो शूट था, काम से जल्दी फ्री हो गए। एक वीडियो जो अभी हमने आपको बताया, वीडियो शूट के बाद इस वक्त हम लोग फ्री हो गई थी, सोचा कि चलो आपके साथ कुछ वीडियो बना के शेयर करते हैं। और आप लोग टिकटॉक पे तो हमें सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम और फोक म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नए से नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आएँ। एग्जैक्टली। सो अभी हम क्या सुनाएं अपनी प्यारी सी ऑडियंस को? इस तरह से हमारे कुछ गाने जो कि काफ़ी माशाल्लाह वायरल गए हैं, तो उन्हीं गानों को हम कुछ गुनगुना देते हैं लाइव। एक सूहे वे चीरे वाले, अच्छा इसका एक मीनिंग है, सूहे व चीरे वाले नहीं है, ये सूहे वे चीरे वाले, मतलब कि चीरा कहते हैं कि पग को, पगड़ी को, और सूहे रेड कलर को कहते हैं। सूहे भी चीरे वाले हैं, मतलब कि रेड कलर की पगड़ी वाला, उसको ये कहा जा रहा है, ये इसका। और ये बेसिकली जो है ये सॉन्ग मुसर्रत नज़ीर साहिबा का था, जो कि हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेजेंड सिंगर थी। सो उनके बाद हमने कोशिश की कि जो मतलब उनके शादी के जो सॉन्ग थे वो दोबारा से रिवाइव करें। सो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। सो अब हम वही सॉन्ग आप लोगों को सुनाते हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, मापिया ने चुने लिया साथी तेनू मेरा, जिंदड़ी तो प्यारा हूं प्यार मैनू तेरा, रख कदमा दे कोल मैं पैरी पैनिया, रख कदमा दे कोल मैं पैरी पैनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, सुहे चीरे वाले मैं कहनिया, सुहे चीरे वाले मैं कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सो हम अपनी वो वाली ऑडियंस जो हमें हमारे मुल्क से बाहर की ऑडियंस है, क्यों सभा जो हमें इंडिया से या यूके से या और भी जिन जिन कंट्रीज से हमें सुनते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं, हम आप सबका तहे दिल से बहुत ज्यादा हम मशकूर हैं। थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा प्यार मिलता है, इतना प्यार करते हैं, हमें मैसेजेस की सारी रिपोर्ट मिलती रहती है कि ये कमेंट्स आते हैं आप लोग के बारे में, लोग आपके पूरे गाने सुनना चाहते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द हमारे अच्छा, पूरे पूरे गाने हमने भी आप सबके जो इस चीज को हमने नोट किया है कि लोग चाहते हैं कि जो हम टिकटॉक पे सॉन्ग्स बना रहे हैं उनका फुल वर्जन भी हम सुने। सो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग वन बाय वन करके जरूर फुल सॉन्ग, जिस गाने की ज्यादा फरमाइश आती है कि ये गाना हमें पूरा सुनना है। एक गजल थी हमने गाई वो तेरे मेरे इश्क का, वो बड़ी मजेदार गजल, थोड़ा सा हो जाए फिर एक दो लाइन, वो वैसी पता नहीं अब गाई जाएगी कि नहीं, तो वो बड़ा लोगों ने कहा है कि ये पूरी हमें सुननी है। एक लाइन ही सुना दो। हाँ चलो। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना जोर सा था, हो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना जोर सा था, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तो भी कोई और ही था,
वो तेरे मेरे इश्क का एक जी, थोड़ा वर्ड भूल गए थे कोई बात नहीं, चलता है जब इस तरह से ऑडियंस को हम सुना रहे होते हैं लाइव, तो ये चीजें तो हैं। तो ये गजल बड़ी, बहुत लोगों ने कहा है कि इसमें बहुत ही मजे की फील आई है, क्योंकि गजल मोस्टली हमारा टाइप नहीं इतना है, हम लोग कवाली फोक भंगड़ा टाइप म्यूजिक जो है पंजाबी ये गाते हैं। तो ये पहली दफा ही गजल गाई है, लोगों को बहुत ही पसंद आई है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम करेंगे। और सूहे भी चीरे वाला ये गाना भी जल्द आप लोग देखेंगे हमारा फुल सॉन्ग। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पाकिस्तान की जो इलाकाई जुबानें हैं और भी, मतलब जैसे सिंधी है, पश्तो है, बलोची है और सराइकी है, हम इसमें भी सॉन्ग्स अपने लेके आए इंशाल्लाह। exactly. क्योंकि हमने टिकटॉक के लिए तो बनाए हैं, लेकिन हमने फुल सॉन्ग्स अभी इस तरह से नहीं गाए, सो इंशाल्लाह हम जरूर लेके आएंगे। और हमारे जो सराइकी बहन भाई हैं वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हालांकि हम लोग सराइकी नहीं हैं, हम लोग पंजाबी हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो सराइकी इतनी मीठी जुबान है उसमें भी गाने की कोशिश, हम इतनी मेहनत करके उसकी जो वो वर्डिंग होती है वो पहले उस सिटी से जो भी हमारे जानने वाले कोई हो उससे पहले हम उसका ट्रांसलेशन करवाते हैं, फिर हम कहते हैं इनकी वर्डिंग हमें बताएं कि क्या बोला जा रहा है, इसका मीनिंग्स बताएं, फिर हम इसका एक्सेंट बताएं। और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ अल्फाज हमें जो है, जाहिर है हमारी ये जुबान नहीं है, तो कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो वो आप लोग जरूर इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वो नीचे एक चेन शुरू हो जाती है, आपने ये गलत बोला, आपने ये गलत बोला, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें कोशिश करेंगे ये मिस्टेक्स ना हो, कोशिश करेंगे जी। तो क्यों ना कोई सराइकी सॉन्ग भी हो जाए, सराइकी सॉन्ग, ओके जरूर, कोई अच्छा सा जिसकी वर्डिंग हमें अच्छे से आती हो। बिल्कुल हाँ, एक्सेंट का तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सराइकी एक्सेंट और जिस भी लैंग्वेज में गाती है बड़ा मजे का लगता है, तो थोड़ा बहुत वर्ड्स का थोड़ा हो जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह। तो अभी हम सुनाते हैं साढ़े लाल बुरा ला। चलो ठीक है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल वर्ड्स है, हमें इनके मतलब नहीं आते, लेकिन कंपोजिशन इज वंडरफुल, अमेजिंग कंपोजिशन इज वेरी फीलफुल। साढ़े नाल बुरला साढ़े नाल बुरला वो खिलते लई वंज वेंदा तौए पई वेंदा तौए पई गल नाल लई वंज सकुना भुलावी वो मैडम मिठड़ा मैया दर्दा ते सूला तो जिदड़ी छुड़ाई वंज। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, हमें पर्सनली बहुत पसंद है, और वर्ड्स हमने ये बहुत मुश्किल से याद किए थे। एग्जैक्टली मैंने तो बहुत मुश्किल से याद किए, तो मेरी हर जगह मिस्टेक होती है, और ये चीज ऑडियंस बहुत नोट करती है, और वो हम इतना एंजॉय कर रहे होते हैं बाज़ कमेंट्स में कि अब ये लफ्ज इसने भूला, ये लाइन ये हो ही नहीं सकता कि मेरे से गलती ना हो, ये लाजमी बात है, लाजमी बात है। ऐसी चीजें आप लोग इग्नोर किया करें और अप्रिशिएट करें इसी तरह से, तो इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे कि अच्छा म्यूजिक, अच्छा और रिच जो हमारा कल्चरल म्यूजिक है वो हम आपके लिए, बल्कि इंशाल्लाह हमारे एक दो प्रोजेक्ट्स आने हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान, इनका जो जैसा कि हमारा फोक कल्चर जो पहले से इकट्ठा था, हमारे ऐसे सॉन्ग्स कुछ आने वाले हैं जो कि मिक्सचर होगा विद द म्यूजिशियंस एंड इंडियंस एंड पाकिस्तानी, और सिंगर्स होंगी हम मनवा सिस्टर्स, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत होपफुल है कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे हमारे इस। और ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ये हम मजीद अब नहीं बताएंगे कि इसमें एक्चुअल में ये क्या है और ये कैसे होना है, बाकी हमारी जो बॉर्डर के उस पार की ऑडियंस और हम लोग, हमारी ये ऑडियंस सबके लिए ये सरप्राइज है, और ये बहुत ही अच्छा एक ट्रैक आने वाला है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब मेरा ख्याल है कि जाते जाते एक गाना और हम गा देते हैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद फिर हम आपसे चाहेंगे इजाजत। कौन सा गाना होना चाहिए? सुरिंदर सरताज जी का सॉन्ग, और जो बहुत ही हम शौक से, अच्छा अच्छा वो मेरे चन्ना, हाँ अच्छा सुना, ठीक हो गया। वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, हम उनकी बड़ी फैन हैं, और कोशिश है बस, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फैन है उनकी। हो मेरे आ चनना चनना वे दस्तू की कण मनना वे का तो लाइयाने देरा वे मैं अथरू पई केरा तेनू आ जा पई मारा तेरिया मिनता
हजारा पानी रावी दा वगदा है तेरा चेता पेठगदा है तेरा चीरा रंगवावा बनके शीशा बह जावा तेरे सामे ओ चनना जे तू आवे ओ चनना वे गल सुन छलिया छलिया वे केड़ा बतना मल्या वे छला बेड़ी दा पूरे वर्तन माये दा तूरे जाना पहले ही पूरे चीरे वाले आ चीरे वाले आ थैंक यू सो मच जी।